मध्य प्रदेश के बड़नगर के ग्राम इंगोरिया में शासन द्वारा जनता की सुविधा के लिए इंगोरिया चौपाटी पर शासन द्वारा सांकेतिक बोर्ड लगाए गए थे, जिससे स्पष्ट हो सके कि कौन सा रास्ता किस दिशा में है। इन बोर्डों पर अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण कर उन्हें दबा दिया गया है, लेकिन अलग अलग मार्गों पर पहुंचने के लिए सांकेतिक बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को यह स्पष्ट हो सके कि कौन सा रास्ता किस दिशा में किस गांव या शहर में जा रहा है और वह यात्रा सुगमता से बिना परेशानी के अपने नियत स्थान तक पहुंच सके। इसके लिए शासन द्वारा सांकेतिक बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन इंगोरिया चौपाटी पर जितने भी बोर्ड लगाए गए हैं उन बोर्डों पर अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण कर उन्हें दबा दिया गया है। अतिक्रमण करने वालों ने अपनी सारी हदें तोड़ते हुए सांकेतिक बोर्ड के आसपास अतिक्रमण कर लिया है, जिससे कि बाहर से आने जाने वाले राहगीरों को आसानी से बोर्ड दिखाई नहीं देता है, जिससे उन्हें भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बोर्ड नहीं दिखने के कारण कई बार राहगीर अपना रास्ता भी भूल जाते हैं। इंगोरिया चौपाटी से चारों तरफ के मार्ग होने के कारण सांकेतिक बोर्ड नहीं दिखने के कारण कई राहगीर परेशान होते हैं। इंगोरिया से उज्जैन, जो महाकाल की नगरी है, सावन मास में कई श्रद्धालु दर्शन के लिए उज्जैन जाने के लिए अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, जिन्हें बोर्ड नहीं दिखाई देने से वह दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। अब देखना यह है शासन प्रशासन द्वारा इन अतिक्रमणकर्ताओं पर किस तरह कार्रवाई की जाती है। बड़नगर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। मैंने चौपाटी पे जो चारों दिशाओं में जाने वाले रास्ते हैं वो जाकर के देखे हैं और स्टाफ को भी भेजा है, करवाई आ रहे हैं, हमने भी जाके मौका देखा है। और जिन्होंने भी अतिक्रमण करके बोर्ड को दबाया है, शाइन बोर्ड को, उनके खिलाफ़ निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी और सभी बोर्ड के ऊपर से अतिक्रमण हटाया जाएगा, ताकि जो भी यात्री हैं यहाँ से निकलने वाले हैं उनके सारे बोर्ड जो है आसानी से दिखाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।